योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि यह बजट काफ़ी खास होगा, इसमें भाजपा के संकल्प पत्र पर ही फोकस होगा। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव का ध्यान भी रखा जाएगा, इसलिए सरकार जनता से जुड़े अपने वादों को पूरा करने पर पूरा फोकस करेगी। इस बार बजट सत्र की शुरुआत 23 मई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, तो वहीं 26 मई को सदन में पहला बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि यह करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। बजट में खेती किसानी, युवा रोजगार, स्ट्रक्चरल सुविधाएं और लाभार्थियों की योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। इस बजट में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा हो सकती है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 1800 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। तो वहीं बजट में आलू, टमाटर और प्याज के MSP की गारंटी का भी इंतजाम हो सकता है। छुट्टा जानवरों से किसानों को राहत दिलाने के लिए भी बजट में फोकस रहेगा। तो वहीं प्राकृतिक खेती और मेगा फूड्स पार्क की भी स्थापना पर भी फोकस होगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना के साथ मुफ्त राशन की भी सुविधा को बढ़ाने का विचार हो सकता है। 1.65 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था वेतन और पेंशन के लिए भी जाएगी। बाकी राशि विकास कार्यों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की सहायता 15 से बढ़ाकर 25,000 हो सकती है। तो वहीं 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिल सकती है। तो वहीं मेधावी छात्रों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी भी मिल सकती है। माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण की भी घोषणा आगे बढ़ा सकती है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर यूनिवर्सिटी और IIT की स्थापना पर देगी। आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के लिए धनराशि मिल सकती है। कम कीमत में दवा उपलब्ध कराने के लिए छोटे छोटे केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। इस बार बजट में इस प्रदेश के सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना भी हो सकती है। तो वहीं गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी रकम का इंतजाम होगा। इसके साथ ही सरकार बजट में औद्योगिक क्षेत्रों पर भी फोकस करेगी। स्टार्टअप रैंकिंग में UP को नंबर 1 लाने के लिए विशेष प्रावधान होंगे। गांवों का विकास, शुद्ध पेयजल और नई बसों के लिए भी बजट की व्यवस्था होगी। बरेली और झांसी जैसे शहरों में मेट्रो की सुविधा के लिए भी बजट दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।